ऑलराइट, तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज जाते से। कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं करेंगे, हवा वाली बातें नहीं करेंगे, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा एंड एग्जाम्पल के साथ हम लोग चीजों को समझ रहे होंगे कि अगर आप ये चीज सही करते हैं तो क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड इस वीडियो में आपको गिव अवे भी देखने को मिलेगा, तो पूरी वीडियो देखना। इसी के साथ यार स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली मिस्टेक जो आती है यार वो है कोडिंग। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, अच्छा वो बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं यार, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो कोडिंग ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बहुत लोग आपको बोलेंगे यार चल ठीक है यार, 4 साल हैं, बढ़िया आराम से फोर्थ ईयर में स्टार्ट करेंगे, बढ़िया प्लेसमेंट निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको पहले स्टार्ट करने के ना प्रोज बताता हूँ, क्या आपको प्रोज मिलते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की, एक स्टूडेंट है जिसने फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के टाइम पे स्टार्ट की। जो पहले साल में स्टार्ट किया है बच्चा, उसने सेकंड ईयर तक आते आते 2 इंटर्नशिप कर ली, थर्ड ईयर तक आते आते उसने 3 प्रोजेक्ट्स लगा लिए, एंड फाइनली जब प्लेसमेंट के टाइम पे दोनों स्टूडेंट बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जिसने फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट की होगी उसको एज मिल रही होगी। आपको पता है यार कंपनियां जो आती हैं वो डेफिनेटली इन चीज़ों को कंसिडर करती हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग से कोडिंग करते हैं तो आपको बहुत फायदे मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपकी ब्रांच कोई से भी हो, आपकी कोर ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, अगर आपको थोड़ा सा भी कोडिंग में इंटरेस्ट आता है मैं बोलूँगा आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप भी देख रहे हो सारी चीज़ें टेक ओरिएंटेड हो रही है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है डेफिनेटली कोडिंग को ट्राई कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डोंट लीव योर एकेडमिक्स बिहाइंड। बहुत लोग आपको ध्यान देंगे कि यार कॉलेज में जस्ट अभी आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं बॉस। तो यहाँ पे यार अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन करके आए हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको कॉलेज में बहुत मजा आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि यार यही तो जिंदगी है, एंड इसी कारण बहुत सारे लोग ना यार हल्के में लेते हैं एकेडमिक्स को। तुम्हारे CGPA मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे यार आपके कॉलेज में इनटेक देखोगे 700-800 बच्चे मिनिमम आपको CSE IIT जैसी ब्रांच में मिलते हैं, अगर आप NIT IIT IIT से नहीं है तो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो जनरली इतनी आपको इनटेक देखने को मिलती है। अगर आपके कॉलेज ऐसे हैं जिनमें हज़ारों में बच्चे हैं, 5,000-7,000 सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, तो भाई आप लोगों के लिए मस्त है। अब कोई कंपनी आती है 30 लाख का पैकेज देने, 35 लाख का पैकेज देने, वो 700-800 लोगों का एग्जाम यहाँ पे नहीं ले सकती है, तो वो क्राइटेरिया सेट करती है। एंड क्राइटेरिया में वो सेट करती है 9 CGPA 8 CGPA के ऊपर जिन बच्चों के CGPA हैं वही मेरा एग्जाम देंगे, एंड उसमें से शॉर्टलिस्ट करती है 20-25-30 लोगों को। उसके बाद वो सोच के आती है कि मैं 4 या 5 बच्चों को ही इस कॉलेज से लेके जाऊंगी, वो कंपनी सोच के आती है। तो ऐसे केस में यार आपको CGPA बहुत मैटर करते हैं। फर्क नहीं पड़ता एक महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई या फिर एक दिन पहले, CGPA आने चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट जो यहाँ पे मिस्टेक आती है वो है लोग बुक्स नहीं पढ़ते, लोगों का ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। इसका यार बहुत सिंपल सा तरीका है, हमारे दिमाग में ना बहुत कचरा भरा हुआ है, ठीक है, एडमिट करो हमारे दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ है। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर कई तरीके के लेबल्स चिपकाए कि बॉस ये चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तो उन लेबल्स को हटाने के लिए बुक्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, जब आप इस बुक्स वाली दुनिया में घुसोगे आपको पता चलेगा सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। एंड मैं अभी तक कितना गलत सोचता था, तो बुक्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी। एंड यहीं पे गाइस मैं आप लोगों के लिए 5 बुक यार गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है। जिसको भी चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है, जो भी बुक आपको चाहिए डिस्प्ले हो रही होंगी ये बुक मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आपकी कोई और चॉइस है, ठीक है, आप बहुत टाइम से वो बुक लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पा रहे किसी रीज़न से, मुझे कमेंट करके बताओ, हम ट्राई करेंगे गिव अवे करने का। एंड क्या होने वाला है प्रोसेस, आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब आपको नहीं मिल सकती बुक। सेकंड जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ऋतिक मेघवानी मेरी आईडी है, ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे यार बहुत लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर शाय होते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यार मेरी साइड से एडवाइस रहेगी कम्युनिकेशन स्किल्स को यार स्ट्रॉन्ग करो, ये बहुत हेल्प करती है। आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है, आप जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उतना ज़्यादा आप यहाँ पे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड इसमें यार बहुत जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि भी हम जस्ट अभी कॉलेज में हैं, यहाँ पे बहुत लोग इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर्स वगैरह इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे इंग्लिश आती तो है लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। एंड यहीं पे गाइस मैं आपको कैम्बली के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि इंडिया का 1 एंड ओनली एप्लीकेशन है जो कि आपको 1-on-1 इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे गाइस आपको USA UK कनाडा और भी कई जगह के ट्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी फ्रेंडली होते हैं, काफी सपोर्टिव होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी आपको जज नहीं करता। Can you just give me 2-3 tips like how to build confidence while talking to someone in English? Okay, if you're using Cambly, I think it's good for people so that you're able to build confidence speaking to strangers. English guys एक ऐसी language है जिसमें practice की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप student हैं, आपको बोलना आता है, लिखना आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो confidence lack करते हैं, तो Cambly आपकी definitely help करने वाला है। यहाँ पे guys आपको कई type के courses मिल जाते हैं, जैसे personal development, IELTS, business related, बहुत सारे courses हैं जिनमें आप enroll करके अपनी English को बहुत better कर सकते हो। And best part यहाँ पे ये है कि क्योंकि आप हमारे viewer हो तो सीधे यार 22% का आपको discount मिल जाएगा 3 month वाले plan पे। And मैंने यार personally Cambly को use कर रखा है, मुझे काफ़ी बढ़िया platform लगा। Description में आपको link मिल जाएगी, अगर
अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको बोलने में यार प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, डेफिनेटली कैम्बली को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है गुड सर्कल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने दोस्तों से सेपरेट हो जाओ, उनको इग्नोर करने लगो, ये सबसे गलत बात होगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एंड मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट कि यार ट्राई करो कि आप कॉलेज में उन लोगों के साथ रहो जो कि यार ग्रोथ माइंडसेट है जिनका, ठीक है, जो कि यार बहुत अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो कि आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं, जो कि आपको लिमिट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो डेफिनेटली आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हैं जो कि बहुत तगड़ा माइंडसेट रखते हैं, छठवें आप हो गए जिनका माइंडसेट बहुत तगड़ा होगा। नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, ट्राई करो यार, सोसाइटीज़ क्लब्स होती हैं आपके कॉलेज में, देखो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, अगर आप कुछ गलत कर भी देते हो ना, लोग हंस भी देते हैं ना, वो कल परसों भूल जाएंगे, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बहुत लोग बोलते हैं भैया मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाय हूँ, मुझे अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ट्राई करो, ठीक है, कि थोड़ा बहुत सोसाइटी क्लब्स में जाने का, हो सकता है शायद आप अपने आप को लिमिट करके बैठे हो, हो सकता है आपको मजा आए क्लब्स में, काफी सारी मैनेजमेंट स्किल्स आपको कॉलेज में सीखने को मिलती है, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो ट्राई करो, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एंड जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो आपकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है। एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो है फिटनेस। बहुत लोग यार अपनी पढ़ाई अपने काम के चक्कर में फिटनेस को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने यार IIT JEE की प्रिपरेशन की है 2 साल दबा के, ठीक है, एंड हम पढ़ते थे एंड खाते थे, सोते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे एंड पढ़ते थे, ठीक है, फिटनेस बहुत कम हमने की होगी। तो अभी यार कॉलेज में जाते से ही आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको जिम देखने को मिल जाता है, बढ़िया, आप जिम जाओ एंड ट्राई करो वर्कआउट वगैरह करने का, एक्सरसाइज वगैरह करने का, अगर आप मेल हैं फीमेल है फ़र्क नहीं पड़ता, सबको जाना चाहिए, नहीं तो अगर आपको किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड आप अपनी पढ़ाई के कारण पिछले 2-3 साल में नहीं कर पाए, अगेन कॉलेज में जाके ट्राई करो उसको परस्यू करने का। अगर आप किसी और एक्टिविटी में हो, योगा है, जो भी है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, डेफिनेटली इन चीज़ों को इंक्लूड करना अपने कॉलेज टाइम में, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो ये था गाइस आज का वीडियो, हमने बात करी यार कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको कैम्बली की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट करना ना भूलें, एंड नेक्स्ट किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।